हेलो एवरीवन। तो लूसेंट जी के केस क्लास में आपका स्वागत है। तो कल हमने जो वीडियो में पढ़ा था उसमें हमने वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ा था। तो वैदिक संस्कृति की जो छोटी मोटी जानकारी है वो हमने कल के वीडियो में जाना था कि वैदिक संस्कृति की शुरुआत 1500 BC से लेके 600 BC तक हुई थी, और ये सब हमने कल के वीडियो में पढ़ा था। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि वैदिक संस्कृति को, वैदिक कल्चर को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है अर्ली वैदिक कल्चर और दूसरा है लेटर वैदिक कल्चर, यानी कि पूर्व वैदिक संस्कृति और दूसरा है उत्तर वैदिक संस्कृति। तो पूर्व वैदिक संस्कृति का जो समय है ये कितना है, तो 1500 BC से लेकर 600 BC के बीच, 1500 BC से 600 BC ये तो वैदिक संस्कृति का समय है, जबकि अर्ली वैदिक संस्कृति का समय कितना है, 1500 BC से 1000 BC तक, ये क्या समय, ये किसका समय है, तो ये पूर्व वैदिक संस्कृति का समय है। तो इसी के बारे में आज हमें पढ़ना है, अर्ली वैदिक संस्कृति के बारे में, पूर्व वैदिक संस्कृति के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जियोग्राफिकल एरिया, तो भौगोलिक क्षेत्र हमें जानना है अर्ली वैदिक पीरियड का। ऋग्वेद इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर दिस पीरियड। तो इस काल की जो जानकारी हमें मिली थी वो किस चीज से मिली थी, तो ऋग्वेद से। ऋग्वेद ही एक ऐसा स्रोत था, एक अकेला स्रोत था जिससे हमें अर्ली वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फ्रॉम द नेम्स ऑफ रिवर माउंटेन्स दैट इज हिमालय, हिमालय, मुंजावंत एंड रोशियन इन ऋग्वेदा वी हैव क्लियर आइडिया ऑफ जियोग्राफिकल एरिया इन विच ऋग वैदिक पीपुल लिव। तो उसमें जो ऋग्वेद है उसमें नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, हिमवंत और मुंजावत जैसे पहाड़ों के नाम दिए गए हैं, ओशियंस के बारे में दिए गए हैं। तो इन सब नामों से हमें ये पता चलता है कि ऋग्वैदिक जो लोग थे, ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो कैसे जियोग्राफिकल, कैसे भौगोलिक क्षेत्र में रहते थे, यानी कि वो ऐसे क्षेत्र में रहते थे जो नदियों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। तभी तो उन्होंने ऋग्वेद में नदियों और पहाड़ों का जिक्र किया था, तो वैसे ही क्षेत्र में वो रहते थे। ऋग्वेदा मेंशन 40 रिवर्स, तो ऋग्वेदा में 40 नदियों को मेंशन किया गया है, 40 नदियों को लिखा गया है। द नदी सुक्त हिम ऑफ ऋग्वेदा मेंशन 21 रिवर्स विच इंक्लूड द गंगेज इन द ईस्ट एंड कुभा इन द वेस्ट। तो नदी सुक्त जो हिम है, नदी सुक्त जो मंत्र है ऋग्वेद का, तो उसमें 21 रिवर नदियों का नाम लिखा गया है, जिसमें से कि एक गंगा है पूर्व में और कुभा जो कि वेस्ट में है, और वो अभी काबुल में जो नदी है उसे कुभा कहा जाता था। ऋग्वैदिक पीपल कॉल्ड देमसेल्फ आर्यंस वे कन्फाइंड इन द एरिया विच केम टू नोन एज सप्त सिंधु दैट इज लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो ऋग्वैदिक लोग जो होते थे वो अपने आप को आर्यंस कहते थे, आर्यन के नाम से अपने आप को बुलाते थे, जो जो कि एक छोटे से एरिया में सीमित थे, छोटे से क्षेत्र में सीमित थे, और वैसे क्षेत्र को सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। सप्त सिंधु का मतलब लैंड ऑफ 7 रिवर, 7 नदियों का भूमि या 7 नदियों का क्षेत्र। तो जो ऋग्वैदिक पीपुल जहाँ रहते थे, ऋग्वैदिक लोग जहाँ रहते थे, तो वो ऐसे क्षेत्र को, अपने आप को वो आर्यन के नाम से बुलाते थे, और वो 7 नदियों के क्षेत्र वाले जगह पे रहते थे। सात नदियां कौन कौन सी थी, तो पहली थी सप्त सिंधु के अंदर वो 7 नदियां कौन 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 सी थी, तो सिंधु एंड देयर 5 ट्रिब्यूटरीज। तो सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियां थी, कौन कौन सी थी, तो वितास्ता, असिकानी, विपास, परुषणी एंड सुतवादारी और लास्ट थी सरस्वती। तो ये सारी नदियां थी जिनके किनारे लैंड ऑफ 7 रिवर्स इन्हीं सारी नदियों को कहा जाता था, और वहीं पे ऋग्वैदिक लोग रहते थे। तो अब कुछ नदियों का नाम दिया गया है और उनका मॉडर्न आधुनिक नाम क्या है और वो किस क्षेत्र में है। तो सिंधु नदी का आधुनिक नाम क्या है, इंडस है, और वो किस क्षेत्र में है, तो पंजाब के क्षेत्र में है। वितास्ता नदी या झेलम नदी का नाम था, वितास्ता नदी ये जो आधुनिक झेलम नदी है उसका नाम था, और ये भी पंजाब के क्षेत्र में है। असिकानी नदी ये चेनाब नदी का नाम था, असिकानी नदी चेनाब नदी का नाम था, और ये भी पंजाब के क्षेत्र में है। विपास नदी किसे कहते थे, तो विपास नदी ऋग्वैदिक लोग आज के ब्यास नदी को कहते थे, जो कि पंजाब के क्षेत्र में था। परुषणी नदी ये रवि नदी को कहा जाता था, ऋग्वैदिक लोगों के द्वारा रवि नदी को पहले परुषणी नदी कहा जाता था, और ये भी पंजाब के क्षेत्र में था।
सुतुदरी नदी, सुतुदरी नदी है सतलज नदी को कहा जाता था, और सतलज नदी जो कि पंजाब के क्षेत्र में है। सरस्वती नदी को आज सरस्वती के नाम से जाना जाता है जो कि राजस्थान के क्षेत्र में है। दृशावती नदी ये घग्गर नदी को कहा जाता था जो कि राजस्थान के क्षेत्र में है। कुभा नदी ये काबुल नदी को कहा जाता था, ये अफगानिस्तान में है। सुवास्तु नदी ये स्वाति नदी जो आधुनिक है उसका नाम सुवास्तु था जो कि अफगानिस्तान में बहती थी। कुरुमु नदी ये कुर्रम नदी का नाम था, कुर्रम नदी जो आधुनिक नाम है इसका जो पुराना नाम था ऋग वैदिक काल में वो कुरुमु नदी था और ये भी अफगानिस्तान के क्षेत्र में था। गोमती नदी का, गोमती नदी जो लोग ऋग वैदिक लोग कहते थे वो किस नदी को कहते थे, तो गोमर नदी को कहते थे और वो अफगानिस्तान के क्षेत्र में। According to Rig Veda, the most mentioned river Sindhu, the most pure river Saraswati, mention of the Ganges one time, mention of the Yamuna three times. तो Rig Veda के अनुसार सबसे ज्यादा जिस नदी का नाम लिखा गया है Rig Veda में वो कौन सी नदी है, तो वो सिंधु नदी है। और वो सबसे पवित्र नदी कौन है, तो सबसे पवित्र नदी जो Rig Veda में लिखा गया है वो सरस्वती नदी को लिखा गया था। और गंगा नदी का एक बार नाम आया है जबकि यमुना नदी का तीन बार नाम आया है ऋग्वेद में। द दस राजन वार बैटल ऑफ टेन किंग्स, तो दस राजन वार यानी कि दस राजाओं के लड़ाई को दस राजन वार या दस राजन लड़ाई कहा जाता था। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद द फेमस दस राजन वार वाज द इंटरशीन वार ऑफ द आर्यंस। तो ऋग्वेद के अनुसार, ऋग्वेद का अनुसार जो प्रसिद्ध दस राजन वार था, लड़ाई था वो किस लिए था, तो वो आर्यन लोग आपस में ही जो लड़ाई किए थे उसे ही दस राजन वार के नाम से जाना जाता था। दस राजन वार गिव्स नेम ऑफ टेन किंग्स हु पार्टिसिपेटेड इन द वार अगेंस्ट सुदास हु वाज द भारता किंग ऑफ त्रित्सुस फैमिली। तो दस राजन वार जो था ये दस राजाओं का नाम वहां पे लिया जाता है जो कि क्या किए थे कि इस लड़ाई में भाग लिए थे, किसके खिलाफ, तो सुदास के खिलाफ। और सुदास कौन थे, तो भारता किंग थे त्रित्सुस फैमिली के, त्रित्सुस परिवार से या त्रित्सुस वंश से। द टेन किंग वेयर द स्टेट ऑफ पुरुष यदुस तुर्वासास अनुस एंड द्रुव्यूस अलोंग विद फाइव अदर्स एलिनास वक्ताज भगानास शिविस एंड विशानेंस। तो ये सारे जो दस राजा थे यही लोग सुदास के खिलाफ दस राजन वार में लड़ाई में भाग लिए थे। The battle was fought on the bank of Purushni in which Sudas emerged victorious. तो ये लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी, दस राजन लड़ाई जो थी वो कहाँ लड़ी गई थी, तो परुष्णी नदी के किनारे। परुष्णी नदी किस नदी को कहा जाता था, तो रवि नदी को, जो आधुनिक रवि नदी है उसे परुष्णी नदी कहा जाता था। और इसी नदी के किनारे दस प्रसिद्ध जो दस राजन वार था इसी नदी के किनारे हुआ था। और उसमें से जीता कौन था, तो उसमें से सुदा जो थे वो विजयी घोषित हुए थे। तो ये था जियोग्राफिकल एरिया अर्ली ऋग्वैदिक पीपल का, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र के बारे में उनकी, उनका जानकारी था। आगे है उनकी राजनीति कैसी थी, उनकी राजनीतिक दशा कैसी थी, उनके पॉलिटी के बारे में जानते हैं। कुला द फैमिली वाज ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो फैमिली या कुल जिसे कहा जाता था वो सामाजिक और राजनीतिक संगठन दोनों पे ही आधारित था। अबव द कुला वेयर द ग्राम The ways, the jana and the rashtra. तो कुल के ऊपर क्या था, ग्राम था, उसके बाद क्या था, विश था, उसके बाद था जन और अंत में राष्ट्र का निर्माण होता है। A group of kula formed a gram, village and so on. तो कुल मिलकर, बहुत सारे परिवार मिलकर एक गांव बनाते थे, और बहुत सारे गांव मिलकर एक, ऐसे जैसे आज होता है बहुत सारे गांव मिलकर जिला, उसके बाद एक राष्ट्र का निर्माण होता है, उसी प्रकार उस समय भी था कि बहुत सारे कुल मिलकर ग्राम का निर्माण किए, उसके बाद विश का निर्माण हुआ, जन का निर्माण हुआ, फिर एक राष्ट्र का निर्माण होता था। Regarding the form of government, it was patriarchal nature. तो जब हम सरकार की बात करते थे, करेंगे, उस समय सरकार किस रूप में था, तो उस समय पितृसत्ता की महत्ता थी, यानी कि जो भी राजा है उसके लड़का ही अगले शासक होंगे, ऐसी व्यवस्था थी, पैट्रियार्कल इसी को कहते हैं, पितृसत्ता को पैट्रियार्कल कहा जाता है। मोनार्की वाज नॉर्मल बट नॉन मोनार्कियल पॉलिटिक्स वेयर आल्सो देयर। तो ऐसा जाहिर सी बात है कि जो पैट्रियार्कल जब था तो वहाँ पे मोनार्की ही था, राजतंत्र ही था, लेकिन जो नॉन मोनार्कियल चीज भी था वो भी वहां पे चलाया जाता था।
The Rashtra was ruled by king or rajan and the royal descent was hereditary based on the law of primogeniture. तो जो राष्ट्र था उसे राजा के द्वारा उस पे अधिकार किया जाता था। उसके बाद जो राजा का अगर देहांत हो गया या राजा बीमार हो गया तो वो अपने जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र होते थे उन्हीं को अधिकार देता था, जिसे ज्येष्ठाधिकार कहा जाता है। तो पैट्रियार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, तो यानी कि पितृसत्ता था वहां पे। और अगर राजा जो थे अगर वो अपनी सत्ता किसी को देना चाहते हैं तो सबसे ज्येष्ठ को अपनी सत्ता को देते थे, सबसे बड़े को। Very little is known about ministers of the king. तो राजा के मंत्रियों के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। The पुरोहिता और domestic priest were the first ranking official. तो सबसे पहले ranking official कौन थे? पुरोहित या priest। तो पुरोहितों को सबसे पहला official का दर्जा दी गई थी। He was the king preceptor, friend, philosopher and guide. तो वो क्या थे? जो प्रिस्ट होते थे, जो पुरोहित होते थे, वो राजा के गुरु, दोस्त, दार्शनिक, गाइड, ये सब कुछ होते थे। Other important royal officers were senani and gramani. तो और भी कुछ royal officers कौन-कौन से थे? तो एक थे सेनानी, जो कि आर्मी के चीफ होते थे, आर्मी के चीफ को सेनानी कहा जाता था। और दूसरा है ग्रामानी, जो कि गांवों के हेड होते थे, हेड ऑफ विलेजेस को ग्रामानी कहा जाता था। consisted of foot soldiers and charioteers. तो आर्मी जो थी वो पैदल चलने वाले कुछ सैनिक उस पे रहते थे और कुछ रथ सवारी भी रहते थे। Wood, stone, bone and metals were used in weapons. तो औजार बनाने के लिए लकड़ी, पत्थर, हड्डियों का और मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता था। Arrow were tipped and with points of metal or prisoned horn. तो जो तीर बनाई जाती थी वो हड्डियों से या कोई मेटल से या किसी जानवर के अनुकेले हड्डियों से बनाई जाती थी। References are made to the moving fort and machine for assaulting strongholds. तो क्या ये भी बताया जाता है कि कुछ मशीनों का निर्माण किया गया था ऐसे, जिससे कि किलों पर हमला, गढ़ों पर हमला किया जा सके, ऐसे कुछ weapons तैयार किए गए थे। The king had religious duties also. He was the upholder of the established order and moral rules. तो जो राजा होते थे उसका तो सिर्फ यही काम नहीं था कि वो अपने प्रजा पर शासन करे, उसके कुछ धार्मिक अधिकार भी होते थे, उसके कुछ धार्मिक कर्तव्य भी होते थे, जो कि वो सभी नियम और कानून या कोई भी अपने नीति को बचाने वाला था, अपने राज्य के जो भी नीति थी उसे बचाने वाला था। ऋग्वेदा स्पीक ऑफ असेंबली सच एज सभा, समिति, विदात और गण। तो कुछ ऐसे सभा के बारे में भी ऋग्वेद में कहा गया है। कौन कौन से सभा का नाम है? तो सभा, समिति, विदात और गण, ये सब सभा की चर्चा की गई है ऋग्वेद में। सभा वाज कमिटी फॉर फ्यू प्रिविलेज एंड इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल। तो सभा क्या होती थी? कुछ महत्वपूर्ण लोगों की एक कमिटी बैठती थी, उसी को सभा कहा जाता था। Two popular assemblies, Sabha and Samiti, acted as checks on arbitrary rule of kings. तो दो तरह की सभा और समिति बनाए जाते थे, किस लिए? कि राजा कोई अपनी मनमानी ना करे। राजा के मनमानियों को रोकने के लिए दो तरह के सभा और समिति का निर्माण किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण लोग, कुछ ज्ञानी लोग बैठ के राजा के कुछ जो काम थे, मनमानी अगर वो करता था तो उसे रोकने का काम करते थे या उसे गाइड करने का काम करते थे कि कौन सा गलत काम है और कौन सा सही काम है। Later Vedas record that Sabha functioned as a court of justice. तो बाद में वेद के जो संग्रह है ये बताते थे कि जो सभा था वो कोर्ट ऑफ जस्टिस के रूप में काम करने लगा, यानी कि न्याय देने का काम करने लगा। Theft, burglary, stealing of cattle and cheating were some of then prevalent crimes. तो उस समय क्या थी? चोरी, शेंधमारी, पशुओं को चुरा लेना और चीटिंग, ये सब कुछ उस समय के कुछ क्राइम्स थे जो कि उस समय प्रिवेलेंट थे या उस समय किए जाते थे। सोसाइटी कैसी थी? समाज कैसा था? ऋग्वैदिक लोगों का आगे पढ़ते हैं। द ऋग्वैदिक सोसाइटी कंप्राइज्ड फोर वर्ण्स, नेमली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो ऋग्वैदिक समाज जो था वो चार तरह के समाज का वर्णन करता है। ऋग्वैदिक समाज में चार तरह के वर्णों का वर्णन किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में। This classification of society was based on the profession or occupation of the individuals.
तो ये जो वर्ण थे या किस पे आधारित थे, तो कोई भी व्यवसाय जो व्यक्ति करता था उसी के आधार पे उसे वर्णों की संज्ञा दी जाती थी। यानी कि आगे समझते हैं कैसे। तो टीचर्स एंड प्राइस्ट वेयर कार्ल ब्राह्मणा, तो जो भी शिक्षक होते थे या पुरोहित होते थे उन्हें ब्राह्मणों की संज्ञा दी जाती थी। रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स वेयर कार्ल क्षत्रिय, जो शासक और प्रशासक होते थे शासन करने वाले उन्हें क्षत्रिय के नाम से बुलाया जाता था। फार्मर्स मर्चेंट एंड बैंकर्स वेयर कार्ल वैश्यास, तो जो भी ऑक्यूपेशन जो व्यवसाय से संबंधित थे किसान लोग थे ऐसे लोगों को वैश्य कहा जाता था। एंड एक्सल आर्टिसंस एंड लेबरर्स वेयर रेकॉर्ड एज शूद्रास, तो जो भी शिल्पकार थे या जो भी मजदूर कैटेगरी के लोग थे उन्हें शूद्रास के नाम से बुलाया जाता था। शूद्रास वर्ण में बांटा गया था। दिस वोकेशन वेयर फॉलोड बाय पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड लाइकिंग एंड ऑक्यूपेशन हैड नॉट बिकम हेरिडिटरी एज दे बिकेम लेटर ऑन। तो ये सारे जो पेशा हैं, जो लोगों के जो भी पेशा थे जो भी व्यवसाय थे ये उनके इच्छा के अनुसार थे। कोई चाहता था कि मैं पुरोहित का काम करूं तो पुरोहित बन के ब्राह्मण कहलाता था, कोई चाहता था कि मैं प्रशासक बनूं तो प्रशासक कहलाता था या क्षत्रिय की कैटेगरी में आता था। तो अपने हिसाब से अपने ऑक्यूपेशन को चुनना था, जो कि बाद में ऐसा हो गया कि हेरिडेटरी हो गया। यानी कि डॉक्टर डॉक्टर नहीं कह सकते, जो फार्मर है उसके लड़के फार्मर, ऐसे ये बाद में हो गया। जो वैश्य है उसके लड़के भी वैश्य से ही कहे जाएंगे, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। जो भी अपने पसंद से जो भी पेशा चुनना चाहता था वो चुन सकता था। जो भी व्यवसाय कोई भी चुनना चाहता है तो अपने मन से चुनेगा और अपने मन से ही उसे कैटेगरी मिलेगी या वो अपनी कैटेगरी को चुनेगा। मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली टुक टू डिफरेंट प्रोफेशन एंड बिलोंग टू डिफरेंट वर्नास, तो एक ही परिवार के लोग बहुत तरह के प्रोफेशन को, बहुत तरह के व्यवसाय को अपनाते थे। एक ही परिवार में कई तरह के वर्ण के लोग होते थे। एंड एज वेल एज इलस्ट्रेटेड बाय अ हिम ऑफ ऋग्वेदा, इन दिस हिम से अ पर्सन सेज, तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर ऋग्वेदा के एक मंत्र से समझाया गया है। वो क्या है कि आई एम अ सिंगर, मैं एक गायक हूँ। माई फादर इज अ फिजिशियन, मेरे पिता एक चिकित्सक हैं। माई मदर इज अ ग्राइंडर ऑफ कॉर्न, और मेरी माँ चक्की पीसती है। तो एक ही परिवार में इस तरह गायक, चिकित्सक और चक्की पीसने वाले, ये तीन तरह के व्यापार हो गए। तो ये ऋग्वेदा के एक मंत्र में समझाया गया है। द यूनिट ऑफ सोसाइटी वॉज फैमिली, प्राइमरली मोनोगैमस एंड पैट्रियार्कल, तो यूनिट ऑफ सोसाइटी, समाज की इकाई क्या थी, तो फैमिली थी। तो परिवार ही सबसे छोटी इकाई थी समाज की, सबसे छोटी इकाई समाज की परिवार थी। एक परिवार में कितने लोग रहते हैं ये सबसे छोटी इकाई थी। प्राइमरी मोनोगैमस यानी कि उस समय सिर्फ एक ही शादी करना अनिवार्य था, एक पत्नी समाज था। और पैट्रियार्कल यानी कि पितृसत्ता वाला समाज था, यानी कि लड़का ही आगे सत्ता को संभालेगा। चाइल्ड मैरिज वाज नॉट इन वॉग्यू, तो उस समय बाल विवाह प्रचलन में नहीं था, बाल विवाह नहीं होता था ऋग्वैदिक, अर्ली ऋग्वैदिक कल्चर में। ए विडो कुड मैरी द यंगर ब्रदर ऑफ इट डिसीज्ड हस्बैंड, तो एक विधवा अपने पति के, मरे हुए पति के छोटे भाई से शादी कर सकती थी। फादर्स प्रॉपर्टी वाज इनहेरिटेड बाय सन, और पिता के संपत्ति को पुत्र के द्वारा अपनाया जाता था या ले लिया जाता था। राइट टू प्रॉपर्टी एग्जिस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल थिंग्स लाइक कैटल, हॉर्स, गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स, एंड आल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड एंड हाउस, तो संपत्ति का अधिकार अचल और अचल दोनों वस्तुओं पे था। जैसे कि कैटल्स हो गए, पशु हो गए, घोड़ा हो गया, सोना हो गया या कुछ आभूषण हो गए, और इन मुद्दे कुछ अचल संपत्ति पे भी संपत्ति का अधिकार था, जैसे कि घर और भूमि, इन सब पे संपत्ति का अधिकार लागू था। होम ऑफ द टीचर वाज द स्कूल वेयर ही टॉट द पार्टिकुलर सेक्रेट टेक्स्ट, तो जो शिक्षक थे, जो पुरोहित थे, उनके घर ही स्कूल होते थे। जहाँ पे किसी बच्चे को पढ़ाई करनी है तो वो टीचर के घर पे ही जाकर पढ़ाई करते थे, और वहां पे उन्हें कुछ धार्मिक किताबों का पाठ पढ़ाया जाता था। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट कर्ड, बटर एंड घी फॉर्म्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट, तो डाइट का एक महत्वपूर्ण भाग, खाने में एक महत्वपूर्ण भाग कौन सा था, मिल्क दूध और उसके कुछ उत्पाद जैसे कि दही, बटर और घी, ये सारे खाने में इस्तेमाल किए जाते थे। देयर इज आल्सो मेंशन ऑफ ग्रेन कुक्ड विथ मिल्क, तो ग्रेन कुक यानी कि
ग्रेन को, अनाज को दूध के साथ भी पकाने का प्रचलन था उसमें, या ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है कि उस समय दूध में भी कुछ अनाज को पकाया जाता था, जिसे खीर पाक मोदनम कहा जाता था या खीर पाक मोदनम के नाम से जाना जाता था। The meat of fish, bird and animals were eaten. तो मछलियों के, चिड़ियों के और पशुओं के मीट को खाया जाता था। Cow was already deemed अघन्य, that is not to be killed. और गाय को पहले से ही अघन्य मान लिया गया था, यानी कि गाय को आप नहीं मार सकते हैं। ऋग्वेद प्रिस्क्राइब्स अ पेनल्टी ऑफ डेथ और एक्सक्लूशन फ्रॉम द किंग टू दोज हु किल और एंजोर काउज। तो ऋग्वेद में ऐसा सजा का प्रावधान था, राजा के द्वारा उस व्यक्ति को सजा दी जाती थी जो कि गाय को मारता था या किसी प्रकार से उसे चोट पहुंचाता था। अल्कोहल ड्रिंक्स सूरा एंड सुमा वेयर आल्सो कंज्यूम्ड। तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स को सूरा और सुमा के नाम से जाना जाता था, जो कि उस समय पीने में उपयोग किया जाता था। Aryans were primarily agricultural and pastoral people who reckoned their wealth in terms of cows. तो उस वो लोग क्या थे कि primarily यानी कि मुख्य रूप से वो कृषक समाज के लोग थे, यानी कि खेती करने वाले और पशुओं के चराने का उनका मुख्य व्यवसाय था या इस तरह के लोग थे, और वो अपने इसी काम को करके अपने संपत्ति को बचा के रखते थे। Amusement including music, dancing, chariot racing and dancing. तो कुछ उनके entertainment का साधन क्या था, amusement का साधन या मनोरंजन का साधन क्या था, तो music था, dance था, रथ पे घोड़े को चलाना ये सब था, dancing था यानी कि पासा खेलना, ये सब उनके entertainment के तरीके थे। One stanza in the Rig Vedic known as Gambler's Lament says. तो एक स्टेंजा है ऋग्वेद में जिसमें कहा गया है कि एक जुआरी विलाप करते हुए ऐसा कहता है कि माय वाइफ रिजेक्ट्स मी एंड हर मदर हेट्स मी। तो एक जुआरी अपना विलाप करते हुए कहता है ऋग्वेद के एक मंत्र में या ऋग्वेद के एक पाठ में कि माय वाइफ रिजेक्ट्स मी, मेरी वाइफ मुझे रिजेक्ट करती है एंड हर मदर हेट्स मी, और उसकी माँ मुझसे घृणा करती है। अब आगे आते हैं हम अर्ली ऋग वैदिक कल्चर के रिलीजन के बारे में, उनकी धार्मिक स्थिति कैसी थी ये जानते हैं। ड्यूरिंग द ऋग वैदिक टाइम्स गॉड्स वर्शिप्ड वेयर जनरली द पर्सोनिफाइड पावर्स ऑफ नेचर। तो ऋग वैदिक काल में जो देवताओं की पूजा की जाती थी वो प्रकृति के कुछ शक्तियों की पूजा की जाती थी। इट वॉज बिलीव्ड दैट द डिवाइन पावर्स वेयर कैपेबल ऑफ कन्फेरिंग बोथ बूंस एंड पनिशमेंट ऑन मैन। तो ऐसा माना जाता था, ऐसा विश्वास था कि जो दैविक शक्तियां हैं, जो प्राकृतिक दैविक शक्तियां हैं, वो ही क्या करती हैं कि वही वरदान या सजा देने का काम करती हैं। Fire was sacred and is what regarded to be intermediary between man and God. तो आग को बहुत ही sacred या पवित्र माना जाता था, क्योंकि आग को समझा जाता था कि आग एक मध्यस्थ का काम करता है भगवान और मनुष्यों के बीच में। There were nearly 33 gods. तो लगभग उस समय करीब 33 देवता थे। Later day tradition classified them into 3 categories. तो बाद के परंपराओं में उन 33 देवताओं को 3 categories में बांट दिया गया। पहला category था terrestrial. तो पहला category जो था वो terrestrial category का था, यानी कि पृथ्वी स्थान। तो पृथ्वी पे जो भी चीज थे, natural जो भी चीज थे, वो पहला category था, उन्हें देवता के रूप में माना जाता था। दूसरा जो category है वो है aerial और intermediate, यानी कि आंतरिक स्थान। तो दूसरा कैटेगरी है अंतरिक्ष स्थाना। तो अंतरिक्ष में जितने भी शक्ति थे, प्राकृतिक शक्ति अंतरिक्ष में थे, उन्हें दूसरे देवता के कैटेगरी में रखा गया था। और तीसरा जो था वो कौन था कि सेलेस्टियल गॉड, यानी कि जो आकाशीय देवता है उन्हें द्यू स्थाना के नाम से जाना जाता था। तो यह तीसरा कैटेगरी था देवताओं का। तो टेरेस्ट्रियल कैटेगरी में पृथ्वी स्थानीय कैटेगरी में कौन आते थे, तो इसमें आते थे पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और नदियां, ये सारे पृथ्वी पे देवता माने जाते थे। एरियल या इंटरमीडिएट या
अंतरिक्ष स्थानीय। तो अंतरिक्ष स्थानीय में कौन कौन से देवता थे? इंद्र, रुद्र, वायु, बता और पर्जन्य। तो ये सारे जो थे वो अंतरिक्ष स्थानीय देवता थे। तीसरा है सेलेस्टियल यानी कि दिव्य स्थानीय। तो दिव्य स्थानीय में आकाशीय देवता आते थे। तो कौन कौन से थे? दोस, सूर्य। तो सूर्य के पांच रूपों की पूजा की जाती थी, सूर्य, सावित्री, मित्रा, कुषाण और विष्णु। ये सूर्य के पांच रूप थे। उसके बाद वरुण, अदिति, उषा और अश्विन। ये सारे देवता जो थे वो आकाशीय देवता थे या सेलेस्टियल गॉड थे। तो इन्हें देवता के रूप में माना जाता था। इंद्र, अग्नि एंड वरुण वेर द मोस्ट पॉपुलर डेटीज ऑफ ऋग्वैदिक आर्यंस। तो इंद्र, अग्नि और वरुण ये जो तीन थे ये मोस्ट पॉपुलर डेटीज ऑफ ऋग्वैदिक आर्यन। तो ये सबसे पॉपुलर देवी देवता थे आर्यंस के, ऋग्वैदिक आर्यंस के। इंद्र और पुरंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड, 250 वैदिक हिम्स आर डिवोटेड टू हिम। तो इंद्र या पुरंदर, जिसे कि किलों का विनाशक कहा जाता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स कहा जाता है इंद्र को, तो ये सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। 250 ऋग वैदिक हिम्स को उन्हें समर्पित किया गया है, यानी कि 250 ऋग वैदिक के जो हिम्स हैं वो इंद्र के लिए ही लिखा गया है। Who played the role of war lord and was considered to be the rain god? तो उन्हें ये माना जाता था कि वर्षा के जो देवता हैं वो इंद्र ही हैं। अग्नि को, तो अग्नि अब दूसरे देवता हैं, तो second most important god। तो अग्नि जो है वो दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे। 200 ऋग्वैदिक hymns are devoted to him। तो इंद्र को 250 ऋग्वैदिक hymns devote किया गया है, जबकि अग्नि को 200 ऋग्वैदिक hymns devote किया गया था। फायर गॉड वॉज कंसिडर्ड टू बी इंटरमीडियरी बिटवीन गॉड्स एंड द पीपल। तो फायर जो देवता थे, अग्नि देवता जो थे वो उन्हें देवताओं और मनुष्यों के बीच एक मध्यस्थ के रूप में माना जाता था। आगे है वरुण, तो पर्सोनिफाइड वाटर वॉज सपोज टू अफोर्ड द रीता और नेचुरल ऑर्डर। तो जो प्राकृतिक ऑर्डर होते थे, पर्सोनिफाइड वाटर यानी कि पीने योग्य पानी जो मिलता था वो, उन्हें वरुण के नाम से जाना जाता था या वरुण देवता कहा जाता था या उन्हें ऋताश्य गोप के नाम से भी जाना जाता था। अगले जो देवता हैं वो है सूर्य। तो सन वाज वर्शिप्ड इन फाइव फॉर्म। तो सूर्य का इंग्लिश क्या होता है? सन। तो सूर्य को पांच रूपों में पूजा की जाती थी, सूर्य, सावित्री, मित्र, कुषाण और विष्णु। ये पांच रूप है जिसमें सूर्य की पूजा की जाती थी। सावित्री द गॉड ऑफ लाइट। तो सावित्री जो कि प्रकाश की देवता है, द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस्ड टू हर। तो फेमस जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ये सावित्री के लिए ही गाया जाता है या पढ़ा जाता है। मित्र अ सोलर गॉड। तो मित्र कौन थे? तो एक सौर देवता थे। कुषाण द गॉड ऑफ मैरिज, मेन फंक्शन गार्डिंग ऑफ रॉड्स, हर्ट्समैन एंड स्ट्रेंग कैटल। तो कुषाण को मैरिज के देवता यानी कि शादी और विवाह के देवता के रूप में कुषाण को माना जाता था। विष्णु ए गॉड विच कवर्ड अर्थ इन थ्री स्टेप्स उपकर्ण। तो विष्णु किसे माना जाता था? तो वैश्य देवता जो कि पूरे पृथ्वी को तीन पग में नाप लिया था और उन्हें उपक्रम के नाम से जाना जाता है। सोम, सोम कौन थे? ओरिजिनली ए प्लांट प्रोड्यूसिंग ए पोटेंट ड्रिंक ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अग्निहोत्र सैक्रिफाइस। तो ऐसा सोम क्या है? तो एक ऐसा, वास्तव में एक ऐसा पौधा है जो कि पीने योग्य एक अग्निहोत्र नाम का जो यज्ञ में उपयोग होता है या पीने के लिए उपयोग होता है उसे वो प्रोड्यूस करता था। Could be hemp called the king of plants, जिसे भांग के नाम से जाना जाता है और उसे पौधों के राजा के नाम से भी जाना जाता है। Identified later with the moon, और उसे भांग को या हेम्प को बाद में मून के रूप में मान लिया गया या उन्हें चंद्र देवता के नाम से मान लिया गया। The ninth mandal of Rigveda which contains 140 hymns is attributed to Som. That is why it is called the Som Mandal. तो ऋग्वेद का जो नौवा मंडल है वो सोम देवता को के प्रति ही समर्पित किया गया है और इसलिए, और उसके 114 हिम्स जो सोम देवता को समर्पित किए गए हैं ऋग्वेद के, और इसलिए नौवे मंडल को सोम मंडल के नाम से भी जाना जाता है। Other gods या goddesses
कुछ और देवी देवता कौन थे, तो रुद्र, रुद्र को क्या माना जाता था, द गॉड ऑफ एनिमल्स यानी कि पशुओं के देवता, डियाउस जो कि ओल्डेस्ट गॉड एंड फादर ऑफ द वर्ल्ड, तो डियाउस को सबसे पुराना या सबसे प्राचीन देवता और पूरे विश्व के पिता के रूप में जाना जाता था, यम द गॉड ऑफ डेथ, तो यम को मृत्यु के देवता के रूप में जाना जाता था, अश्विन और नशात्य द गॉड ऑफ हेल्थ यूथ एंड इमोर्टलिटी, तो अश्विन और नशात्य को स्वास्थ्य के देवता, यूथ के देवता और इमोर्टलिटी के देवता के रूप में जाना जाता था, इमोर्टलिटी यानी कि अमर होने के, जो अमर होने का वरदान दे, ऐसे देवता के रूप में जाना जाता था। अदिति द ग्रेट मदर ऑफ गॉड, सो अदिति को देवताओं के महान माता के रूप में जाना जाता था, और सिंधु को रिवर गॉडेसेस के रूप में जाना जाता था, तो सिंधु को नदी के देवी के रूप में जाना जाता था। Sometimes gods were visualized and animals, but there was no animals worship. तो कभी कभी देवताओं को पशुओं के रूप में देखा जाता था, लेकिन पशुओं की पूजा की कोई परंपरा नहीं थी। देवताओं को ही पशुओं के रूप में देखा जाता था, बट पशुओं की पूजा नहीं की जाती थी। The nature of Greek Vedic religion was henotheism, that is belief in many gods, but each god standing out in terms as the highest. तो प्रकृति कैसा था ऋग वैदिक रिलीजन का, उनके धर्म का प्रकृति कैसा था, तो हिनोथिज्म था। हिनोथिज्म का मतलब क्या होता है कि विश्वास एक ही देवता में है, लेकिन और जितने भी देवता हैं उन सबको श्रेष्ठ मानना, लेकिन विश्वास सिर्फ एक ही देवता में करेंगे। Their religion primarily consisted of the worship of gods with a simple ceremonial known as yajna or sacrifice. तो उनका धर्म जो था वो कैसे पूजा की जाती थी देवताओं को, तो एक सिंपल सेरेमनी था उसमें, जिसे यज्ञ के नाम से जाना जाता था या जिसमें बलि दिया जाता था, यही उनका पूजा करने का एक तरीका था। सेक्रीफाइस कंसिस्टेड ऑफ ऑफरिंग्स ऑफ मिल्क, घी, ग्रेन, फ्लेश एंड शोम, तो सेक्रीफाइस यानी कि जो आहुति दी जाती थी वो उसमें क्या क्या होता था, तो मिल्क, घी, ग्रेन, फ्लेश और सोम, दूध होता था, घी होता था, कुछ अनाज होते थे या मांस के टुकड़े होते थे, या सोम मैंने बताया जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स को कहा जाता था, इसमें भांग आता था। आगे बढ़ते हैं, अब अर्ली वैदिक पीपल के इकोनॉमी, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी ये जानते हैं। द आर्यंस क्रॉस्ड द नोमैडिक स्टेज, तो आर्यंस यद्यपि कि वो नोमैडिक स्टेज को क्रॉस कर गए थे, यानी कि पशुओं को जो चराने का उनका व्यवसाय था उनसे वो आगे बढ़ गए थे, येट ग्रेट इम्पोर्टेंस वर अटैच्ड टू द हर्ड्स ऑफ कैटल्स, तो फिर भी उनका जो जुड़ाव था जानवरों से वो हटा नहीं और वो पशुओं को पालना चालू रखे, यानी कि वो जब नोमैडिक थे, जब इधर उधर घूम घूम कर एक जगह से दूसरे जगह पशुओं के साथ जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन जब वो थोड़ा उससे आगे बढ़े फिर भी पशुओं से उनका लगाव कम नहीं हुआ और वो कुछ पशुओं को अपने साथ पालने लगे। The Vedic people were probably not familiar with camel, cat and camel. तो वैदिक लोग जो थे वो शायद बिल्ली और ऊंट से प्रचलित नहीं थे, उस समय बिल्ली और ऊंट से उनका कोई संबंध नहीं था। टाइगर वाज नॉट नोन, तो उस समय बाघ भी उनकी जानकारी में नहीं था, बट द वाइल्ड एनिमल्स लाइक लायन, एलिफेंट एंड बोअर वेयर नोन टू हिम, लेकिन जंगली जानवर जैसे कि शेर, हाथी और सुअर ये सब वो जानते थे। इन ऑल प्रोबेबिलिटी वेरी लिटिल ऑफ ट्रेड वाज देयर, तो बहुत ही कम मात्रा में व्यापार की जाती थी। Money and markets were known, but they were not extensively used. तो पैसे और बाजार लोगों के जानकारी में थे, लेकिन बहुत ही व्यापक पैमाने पर पैसों और बाजारों की उपयोगिता नहीं थी। Cows and gold ornaments of fixed value were the media of exchange. Coins were not known. तो गायों को और आभूषणों को आदान प्रदान करके वो कोई भी वस्तु दूसरे से लेते थे, और क्वाइंस वे नॉट नोन, उस समय सिक्के का प्रचलन नहीं था, सिक्के ऋग्वैदिक पीपल के जानकारी में नहीं थे, और गायों को और कुछ सोने के आभूषणों की आदान प्रदान करके वो ये अपना सामान दूसरे को देते थे या दूसरे का सामान लेते थे।
Complexity in producing goods were made its appearance. Men of various professions like carpenters, smiths, tanners, weavers, potters and grinders of corn were there. तो ये सारे पेशा के लोग वहाँ पे थे, कारपेंटर बड़े ही थे, वीवर्स थे, पोटर्स थे या चक्की पीसने वाले, ऐसे व्यवसाय के लोग वहाँ थे. The art of healing wounds and curing diseases were in existence. तो घावों के भरने का जो कला था और curing diseases, रोगों को ठीक करने का जो कला था, वो उस समय अस्तित्व में था. There were experts in surgery. तो सर्जरी के experts कुछ उस समय रहते थे. Along with herbs and drugs, charms and spells were regarded as equally potential in healing diseases. तो हर्ब्स और ड्रग्स यानी कि कुछ दवाई और कुछ मेडिसिनल उपयोग के जो पौधे होते थे, उनके साथ साथ भगवान के मंत्र को भी उतना ही उपयोगी माना जाता था किसी बीमारी को ठीक करने में. जैसे कि अभी कहा जाता है कि कोई बीमार है तो दवा के साथ साथ दुआ भी काम करती है, उस समय भी प्रचलन था कि दवाओं के साथ साथ लोग भगवान के मंत्रों का भी जाप करें, वो भी बराबर का फायदा करेगा. तो इस तरह से हमने अर्ली वैदिक कल्चर को समाप्त कर लिया है. अगली वीडियो में हम लेटर वैदिक पीरियड को पढ़ेंगे. तो पूर्व वैदिक संस्कृति के लोगों की सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, ये सब हमने इस वीडियो में जाना है. अगली वीडियो में हम लेटर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे. तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.